दें कि सूरत के गोपीपुरा क्षेत्र के निवासी हासिम खान पठान ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त कर पूरी देश दुनिया में गुजरात के सूरत का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया भर में गुजरात के सूरत का डंका बजाया है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हासिम भाई ने सेकंड क्रमांक हासिल कर ऑल ओवर स्टेप जैसे कि हैकलिफ बेंच प्रेस और बाई स्केल्प के दूसरा क्रमांक हासिल कर और बेंच प्रेस में तीसरा क्रमांक हासिल कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और साथ ही हासिम भाई ने बाई स्पेकल के इंटरनेशनल रिकॉर्ड बीट कर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है और अब तक काफ़ी सारे लेवल और प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर उन्होंने जीत हासिल की है और पूरी दुनिया भर में गुजरात के सूरत का नाम रोशन किया है। और हासिम भाई से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके इस सक्सेसफुल करियर में यतीन पटेल सर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और आगे हम आशा करते हैं कि हासिम भाई अपने जीवन में और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करें। मेरा नाम हाशिम खान पठान है। और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में आपने किस तरह का मतलब क्रमांक हासिल किया वो बताइए। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सेकंड प्लेस हासिल किया है ऑल ओवर जो होता है तीनों तीन जैसा हैकलिफ्ट बेंच प्रेस और बाइसेप कर्ल में मेरा सेकंड रैंक आया है और थर्ड रैंक जो आया है ब्रॉन्ज मेडल मुझे जो मिला है वो बेंच प्रेस में मिला है और बाइसेप कर्ल में मैंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बीट किया है जो 62.5 था वो मैंने 70 पे लाकर खड़ा कर दिया। यानी अब नया रिकॉर्ड जो भी बंदा आएगा उसको नया रिकॉर्ड बना पड़ेगा। यानी जिसने बनाया था ये रिकॉर्ड वो सऊदी अरेबिया का था, वो बंदे का रिकॉर्ड बीट करके मैंने इंडिया का रिकॉर्ड डाला है। जी अब तक आपने किस किस लेवल पर खेले? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, अभी इंटरनेशनल, अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाता हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के बाद आगे आपका क्या करने का इरादा? आगे मेरा ये प्लान है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर अगर करियर इसी में बनाना है तो फिटनेस तो मेरा तो रहेगा ही रहेगा, पर साथ में अगर इंशाल्लाह अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं जाता हूँ अगर वहाँ पे भी चैंपियनशिप जीतता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब यही करियर इसमें ही करियर बनाना है फिटनेस में। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे जो दर्शक आपको देख रहे होंगे? मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई टैलेंट अंदर से भरा पड़ा है या वो आगे जा सकते हैं फिटनेस लाइन में तो प्लीज़ छोड़िए मत, जितना हो सके अपनी बॉडी पर हार्ड वर्क कीजिए, डाइट कीजिए, रेगुलर वर्कआउट कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा क्योंकि फिटनेस आज सभी लोगों को फिटनेस चाहिए ही चाहिए। हर कोई बंदा चाहता है कि वो फिट रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा फिट रहे। मेरा नाम यतीन पटेल। तो यहाँ पर जो मतलब कंटेस्टेंट आते हैं उन्हें आप किस तरह मोटिवेट करते हैं? अभी जैसे कि अभी कोई भी आता है नया तो स्टार्टिंग में उन्हें जैसे कि चलो अभी फर्स्ट है तो सबसे पहले उनको करना चाहिए कि मोटिवेशन कैसे करना चाहिए। तो अभी मोटिवेशन के बारे में हम लोग सिखाते हैं कि सबसे पहले आपको आजू बाजू कुछ भी देखना नहीं है पहली बार तो, और जैसे कि भी आप वर्कआउट करोगे तो सबसे पहले उसमें फॉर्म और उसमें आता है टेक्निक आता है, तो फॉर्म और टेक्निक से आप बराबर जो भी आप वर्कआउट करोगे तभी फिर उसका जो है इफेक्ट है वो पहले उस पर ही आता है, तो ऐसे हम उसमें मोटिवेशन करते हैं। और मतलब आपने भी कई लेवल पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, हाँ, तो जरा वो बताइए हमें। ओके सबसे पहले मैं 10 साल मैंने पहले यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहले काम करता था मैं, बट तभी फिर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब भी फिर मैं एक बार रास्ते पे मैं जैसा चल रहा था तो 4-5 बॉडी बिल्डर मेरे सामने से चले गए, बट फिर मैंने देखा कि उनकी बॉडी है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मैंने खुद में मैंने देखा कि नहीं ये मुझे भी ये करना है, बनाना है मुझे, तो फिर मैंने भी फिर जिम चालू किया मैंने। और 10 साल पहले मेरा वेट 46 था और मेरा हाइट 6 फीट था, तो सब लोग मुझे हैंगर के नाम से मुझे चिढ़ाते थे, मैं बोला कि नहीं मुझे तो अभी ये इंडस्ट्री में मुझे अभी आना ही है, तो मैं स्टार्टिंग में फिर मैंने पार्ट टाइम से ये चालू किया, मैंने जिम चालू किया, फिर तब से लेके फिर मैंने 10 साल तक मैंने इतना मेहनत किया मैंने। और जैसे कि सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन था वो गुजरात स्टेट लेवल पर मैंने बॉडी बिल्डिंग किया साउथ गुजरात, तो उसमें मेरा थर्ड नंबर मेरा आया, तो फर्स्ट मेरा जो ये कंपटीशन था तो मेरा थर्ड नंबर आया तो मैं फुल एकदम ये खुश हो गया, मैं बोला नहीं अभी तो मुझे और ये आगे बढ़ना है मुझे। तो उसके बाद फिर मुंबई में फिर एक कंपटीशन था अंधेरी में, तो मैं वो भी मैंने खेला तो उस भी ये मेरा आया, मेरा थर्ड नंबर आया।
और ऐसे ही फिर मैं सब जैसे कि स्टेट लेवल कंपटीशन, फिर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, ऐसे फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते चला गया। उसे मुझे ब्रॉन्ज मेडल भी मुझे मिला हुआ है, एज वेल एज मुझे सारे सारे सब सर्टिफिकेट भी मुझे मिले हुए हैं। और मैंने K11 से मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। अच्छा, और मतलब इस मकाम तक पहुँचने में आपकी फैमिली सपोर्ट, आपका फ्रेंड सर्कल सपोर्ट आपको कैसा मिला? इस अभी सफलता में सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली से मुझे इतना सपोर्ट मिला के, और स्टार्टिंग में मेरी मम्मी और उसके बाद वाइफ। अभी जब भी मेरे कंपटीशन आती थी तो सबसे पहले तो आता है डाइट। वो डाइट इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो कोई भी नहीं कर सकता है, तो इसमें मेरी वाइफ ने मुझे फुल सपोर्ट किया मुझे, और एज वेल एज जो मेरे फ्रेंड सर्कल है तो उन्होंने मुझे सारे सपोर्ट किए। अच्छा, और हमारी चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे आने वाली जनरेशन, आने वाली युवा पीढ़ी? अभी संदेश ऐसा है कि समझो भी आप ये फिटनेस इंडस्ट्री में हो तो आपको सबसे पहले तो गिव अप नहीं करना है, और क्योंकि फिटनेस ही इसमें आपको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी आप जाओगे तो डॉक्टर भी सबसे पहले कहता कि नहीं, आपको सबसे पहले इसमें तो फिट रहना ही है, तो फिट रहना है तो फिर आपको जिम में ही आना है। और सूरत में मैं यहाँ पे ढाई साल पहले ये मैंने फिटनेस फ्रिक्स चालू किया था मैं, और ये फिटनेस फ्रिक्स में मैं सबको ये पर्सनल ट्रेनिंग भी है, जैसे कि इसमें जो भी मोटिवेशन है कि, और उसमें जो आगे के जो भी कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं तो मैं उनको भी इसमें मैं तैयार करता हूँ।